केदारनाथ धाम पर निर्माण कार्य एवं सुरक्षा के संदर्भ में महोदय उक्त ज्ञापन के माध्यम से हम आपका ध्यान जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित केदारनाथ धाम में व्याप्त समस्याओं की ओर करवाना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि उक्त धार्मिक स्थल ग्रामीण क्षेत्र में होकर आता है। बताया जाता है कि केदारनाथ धाम वन विभाग की देखरेख में संचालित होता है। ऐसे में वन विभाग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा से लेकर निर्माण और दूसरे कार्य वन विभाग करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ उक्त बातों को हम बिंदुवार बताना चाहते हैं। ये है कि झरने के नीचे बने कुंड में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। पूर्व में भी नहाने के दौरान मासूम बच्चे अपनी जान तक गंवा चुके हैं। मसलन सुरक्षा के इंतजाम कराए जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। साथ ही चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए एवं खास मौके पर वन विभाग या पुलिस कर्मियों की ड्यूटी कुंड के आसपास लगाई जानी चाहिए। दूसरा ये है कि पानी पीने की समुचित व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। अभी पूरे परिसर में एक ही पानी की टंकी बनी हुई है, खास मौके पर उक्त टंकी का पानी पर्याप्त नहीं होता। थ्री ये है कि शिवरात्रि और सावन मास का ध्यान रखते हुए दो बड़े बड़े हॉल का निर्माण वहाँ होना चाहिए ताकि लोग किसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ तेज बारिश के बीच उक्त हॉल में ठहर सकें। फोर ये है कि दिन प्रतिदिन उक्त स्थल पर श्रद्धालुओं का आना जाना रहता होता है। खासकर शिवरात्रि या श्रावण महीने में हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँचते हैं, लिहाजा एक और नया शौचालय का निर्माण यहाँ होना चाहिए। फाइव ये है कि केदारनाथ धाम पहुंचकर मार्ग डामरीकरण किया जाना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को धाम पहुंचने में समस्या का सामना ना करना पड़े। छठा यह है कि पर्यटन के दृष्टिगत उक्त स्थल पर संपूर्ण विकास कार्य किए जाने चाहिए क्योंकि उक्त स्थल प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। सेवन यह है कि जिन पहाड़ियों से पानी बहकर झरने के रूप में गिरता है वह सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। लोग लापरवाही पूर्वक वहाँ नहाने और सेल्फी लेने पहुँच जाते हैं। उक्त एरिया को फेंसिंग लगाकर कवर किया जाना चाहिए। एट यह है कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 28 अगस्त को 20वीं बार कांवड़ यात्रा सुबह 6 बजे केदारनाथ धाम से शुरू होगी। इसके लिए एक दिन पूर्व यानी 27 अगस्त की रात्रि में आसपास के लोग केदारनाथ धाम पहुँचे जाएंगे, जहां पानी और ठहरने के पर्याप्त इंतजाम वन विभाग और प्रशासन द्वारा कराए जाने की अपेक्षा हम रखते हैं। अतः महोदय, हम शहर के नगर नागरिक इन तमाम मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षण कराकर ये उम्मीद करते हैं कि अविलंब सभी बातों पर विचार विमर्श किया जाकर जिला प्रशासन ठोस कार्य योजना बनाएगा और उक्त स्थल जल्द ही एक नई पहचान मिलेगी। गणेशपुरी महाराज जी, जोर से बोलिए। गणेशपुरी महाराज जी, कहाँ से आए? हम केदारनाथ से बताएं। बताएं क्या समस्या लेके आए? एक समस्या जा रहे कि आए कि एक तो प्यारी बात कि हमारा खड़ोची की परेशानी कर रहा है, वन विभाग वाले ठेका दे रहे हैं शंकर जी को। दूसरी न कोई उधर लाइट को व्यवस्था है, न कोई उधर पानी की व्यवस्था है जनता के लाने, न किसी के लाने, बाथरूम के लाने, लेडीसों के लाने कोई व्यवस्था है, न कोई जनता के लाने, बिराजी को लाने व्यवस्था है। इतनी जनता जा रही है कि हजारों से जनता जा रही है सोमवार से परसों तक महीना में, तो जी माने कोई व्यवस्था ही नहीं जा। अब वो वन विभाग बता रहा है आपके वन विभाग है तो का कोई जनता तो वन विभाग की तो है नहीं जा। जनता की तो आप हो मालिक, किसी मालिक तो आप हो जनता के, उनको तो वृक्षा है, उनको तो मालिक हो जनता, मानो आपकी सुरक्षा माने हो तो जनता की कोई सुरक्षा नहीं जा। कुंड है तो भी बंद करें, न कुंड की कोई व्यवस्था करें, कुंड नहीं जा तो नीचे चेक डैम बनाओ जाए, आजीवन के गंगा स्नान अगर कोई अब घटना हो जाए तो का बंद कराया जाए स्नान, तो त्रिवेणी के स्नान भी बंद कराए हैं, तो जनता का नहा के घर जाए कि कहाँ जाए, न पानी की व्यवस्था है, न कोई बाथरूम की है, और न माने कोई व्यवस्था भगवान भक्तों की बैठने की है, तो इनकी व्यवस्था कौन करे? इनकी व्यवस्था के लाने अब जो है हमारे लखा जो आश्रम है तो उनकी व्यवस्था हमें करने पड़ रही, रात भर जनता आ रही तो उनकी व्यवस्था हमें तो देख रहे हैं, हम अकेले हैं, वो हमारे लाने कोई आय थोड़ी है। अभी आप मिल ही आए कलेक्टर साहब से? नहीं नहीं, अबे हम कोई साहब से नहीं मिले, क्योंकि हमने तुम्हारी हमारी सबकी सुन रहा है, बड़े बड़े अधिकारी जा रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, और हो कुछ नहीं रहा है। वो बाकी में क्या वन विभाग